दोस्तों एशिया कप 2022 का आगाज आज होने वाला है और आज का बड़ा मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम के बीच खेला जाएगा। तो ऐसे में ही दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी और दोस्तों जानेंगे इस मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों पहले बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने एशिया कप को टोटल 5 बार अपने नाम किया है और श्रीलंका का दबदबा पूरे एशिया कप में देखने को मिलता है, क्योंकि एशिया कप की ट्रॉफी को श्रीलंका ने 5 बार अपने नाम किया है, तो वहीं अफगानिस्तान की टीम एक बार भी इस ट्रॉफी को अपने नाम नहीं कर पाई है। और ऐसे में इन दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों ही टीमों के बीच T20 में केवल एक बार आमना सामना हुआ है और उस मैच को भी श्रीलंका ने जीता था। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह श्रीलंका का पलड़ा भारी है और ऐसे में एशिया कप का ये पहला मैच आज खेला जाएगा जो कि ग्रुप बी टीम के बीच होगा और ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। और वहीं ये मैच हमें स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर देखने को मिलेगा, तो वहीं फोन में हमें हॉटस्टार पर ये मैच देखने को मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये मैच काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि एशिया कप 2022 की शुरुआत इसी मैच से होने जा रही है। और ऐसे में अब इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले बात करें श्रीलंका की, और श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए धनुष्का गंटीलका और पतुम निसंका ओपनिंग बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में चरित असलंका, भनुका राजपक्षे, कुशल मेंडिस, कप्तान धसुन संका और वरेंदु हजरंगा मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं गेंदबाजी में चमिका करुरत्ने, नुवान तुषारा, महेश तीक्षणा और महेशा पतिराना श्रीलंका की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। वहीं अब बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की तरफ से हजरतुल्ला जजाई और रहमानुल्ला गुलबाज ओपनिंग बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में इब्राहिम जर्दान, उस्मान गनी, नाजीबुल जर्दान, कप्तान मोहम्मद नबी और राशिद खान मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। तो वहीं गेंदबाजी में अजमरदुल्लाह, मुजीबुर रहमान, फैजुल फारूकी और नवीन उल हक अफगानिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। और एशिया कप के पहले मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह होने वाली है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है एशिया कप का पहला मुकाबला इन दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम जीतने वाली है, आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे में अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।